मिल गई बर्फ, तसल्ली मिल गई। गूगल मैप्स तो यहाँ फेल हो गए। दोस्तों आप निकल चुके हैं लांगजा से कॉमिक की ओर, वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज कहा जाता है उसको, और रोड आप देख ही रहे हो यार। अच्छा एक बात तो बताऊँ, बड़ी ज़बरदस्त ठंडी हवा चल रही है, इतनी भयंकर ठंडी हवा कि समझ लो ऊपर वो क्या बंडाना वगैरह वो सब बांधना पड़ा, और ये नीचे पूरी जैकेट वगैरह सब लादनी पड़ी है। और लांगजा वो स्टैचू, बुद्धा स्टैचू, भाई कितनी भयंकर हवा, मतलब ड्रोन में उड़ा रहे थे, ड्रोन भी स्टेबल नहीं हो पा रहा था, इतनी भयंकर हवा चल रही है वहाँ पर। और कॉमिक तक की रोड तो कोई खास नहीं है, करीब 7 किलोमीटर, गूगल मैप्स तो यहाँ फेल हो गए, बस पूछ पूछ के जाना पड़ेगा अब तो, और वापसी पूछ पूछ के आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई नेटवर्क तो है नहीं। सही बताऊँ भरोसे पर आइएगा, बस पूछ पूछ के आप आ जाएं। और रोड आप देख रहे हो, रोड कहीं तो पूरी पगडंडी सी दिख रही है मुझे। चलिए चलते हैं, कॉमिक के बाद फिर चलेंगे हिकिम, हाँ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, वहाँ से चिट्ठी डाल के आएंगे अपने घर पे। भाई अभी तो एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए चलते हैं फिर धुआं और धारी से। Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is. अ दोस्तों बर्फ बर्फ ये दिख गई, बर्फ आखिरकार बर्फ दिख ही गई, और इसको थोड़ा सा टच करके देखते हैं यार कैसी है ये बर्फ। बर्फ कैसी है भाई बर्फ? ओ ठंडी ठंडी है यार, आगे और मिलेगी बर्फ, वहाँ चलते हैं। बहुत ठंडी है भाई, तो हाथ बिल्कुल जम सा गया। और भाइयों मधेश की बहनों, बर्फ बर्फ करते हम घूम रहे थे तो लो मिल गई आखिरकार बर्फ। अब देखो मिल गई बर्फ, तसल्ली मिल गई। अब भाई पीछे नाम भी लिखा हुआ है यार किसी ने। देखो यार आखिरकार बर्फ मिली गई। मैं सही बता रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से तलाश में था यार कहीं तो बर्फ मिले, एटलीस्ट टच करके देखूं। देखो देखो मैं टच करके दिखाता हूँ आपको, जैसे हमारे यहाँ बुरा सा होता है ठंडा ठंडा फ्रिज में से निकाल क्रश करके, ये बिल्कुल वैसी बर्फ है। ये देखो एक अलग ही फील, ठंडी बहुत है यार, एक अलग ही फील आता है यार। बर्फ देखने आए तो बर्फ भी तो देखेंगे, सही कहा कि नहीं? तभी तो होगी अपनी जर्नी झकास। और ये कॉमिक के रास्ते में पड़ती है, कॉमिक हम जब लांगजा से कॉमिक जा रहे हैं तब के रास्ते में, तो काफी लोग यहाँ फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, सब बर्फ देखने ही आते हैं, हम भी बर्फ देखने आए, आखिर क्या बर्फ दिख गई। इससे कहीं ज्यादा दिखी तो फिर आपको दिखाऊंगा, अभी चलते हैं कॉमिक। और दोस्तों एक जगह आकर रुका हूँ, आप देखिए यार मुझे इतना बेहतरीन लैंडस्केप मिला, ये मैंने सोचा क्यों ना रुककर इसकी वीडियो बनाई जाए। ये देखो यार क्या जबरदस्त लैंडस्केप है, दिख रहा है आपको? ये रहा लैंडस्केप और ये रहा मैं। चलिए चलते हैं कॉमिक की ओर। और फाइनली अपन कॉमिक पहुंच चुके हैं, कहते हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज, और मैं आपको दिखाऊं तो ये लास्ट भी है क्योंकि इसके बाद कुछ है नहीं। ये देखिए ये लास्ट भी है, और यहाँ पर इसके बाद तो आई थिंक बॉर्डर लगता है बस, वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड लास्ट विलेज। अब इस लास्ट विलेज में एक रेस्टोरेंट भी है, तो चलिए फिर उस रेस्टोरेंट में कुछ खाया पिया जाए, भूख तो बहुत तेज लग रही है, तो चलिए फिर। ये क्या वर्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट कॉमिक, भूख तो बहुत तेज लग रही है, खाए पे चलिए। अभी वर्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट में मैं यार चाय पी रहा था, तो मैंने यार यहाँ के कुत्ते देखे, कुत्ते कम भालू ज्यादा लगते हैं, देखना ये देखो देखा आपको ये कुत्ते कम और भालू ज्यादा लगते हैं, एक अंदर बैठे हैं और इनकी इनके इतने बड़े बड़े बाल होते हैं, कभी देखना यार। वैसे एक्सपीरियंस तो एक अलग है वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफे में चाय पीने का, ले रहा यार। इसके बाद फिर चलेंगे हिकिम, वहां से पोस्ट डालेंगे और उसके बाद फिर बैक टू पवेलियन। तो बस एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करने के बाद फिर हिकिम निकलते हैं, तब तक के लिए रहो झकास। तो अपन कॉमिक से निकल लिए, वहाँ खा पी गए, आराम से चिल मारा कुछ टाइम, और बहुत बेहतरीन नज़ारा था यार, क्या बताएं, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा, पहाड़ी पहाड़ बीच में कॉफ़ी और फ्राइड राइस। अब जा रहे हैं हिकिम,
वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, वहां से भाई चिट्ठी डालेंगे अपने घर पे। यार कितने सालों हो गए चिट्ठी डाले हुए, तो हकीम से एक चिट्ठी डालेंगे खुद को यानी अपने घर में और रिश्तेदारों को, ताकि पहुंचे तो पता तो चले कहाँ से आई है चिट्ठी। तो बस जा रहे हैं अब हकीम, और सीधा मुलाकात होगी अब आपसे वहीं पर। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पहुंच चुके हैं और अपने कार्ड सेलेक्ट कर लिए हैं। आपको दिखाऊं कार्ड्स अपने, एक तो ये कार्ड है और दूसरा ये कार्ड है। तो बस पोस्ट करते हैं, फोटो वोटो खिंचाते हैं, चलते हैं फिर। और यार ये है वर्ल्ड्स हाईएस्ट, यानी वो भी अपने इंडिया में है। उसकी ऊंचाई है 14567 कहते हैं 4440, यानी हम 14,500 फीट की ऊंचाई पर है। और ये आपका डाकघर, इसमें जाके चिट्ठी डाल दो। यार मैंने तो डाल दी है, 6 रुपये की टिकट लगा के भी ये नहीं पता कि वो पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, बट उसकी फ़ोटो वगैरह खींच के रख ली है। खैर डालने का अलग एक्सपीरियंस रहता है इन सब चीज़ों का। और आपको नज़ारा दिखाऊँ तो यार देखो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, वही नज़ारा। अब यहाँ से सीधा निकलते हैं अपने होटल, कल बैक टू पवेलियन। ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। अच्छा यहाँ का नज़ारा देखो, ये देखो यार आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो कितना ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ का। अपने हकीम से निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं हम काजा वापस अपने होटल, और अब आपसे मुलाकात होगी कल, क्योंकि कल हम निकलेंगे सबसे लंबी जर्नी पर। यहाँ काजा टू मथुरा सबसे लंबी जर्नी होगी मेरी अब तक की, लगभग 920 किलोमीटर की जर्नी होगी। कोशिश करूँगा वन टेक में करने की, आगे देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। तो आपसे मुलाकात होगी कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए रहिए झगास।